गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी कैन डिस्कस ऑन टॉपिक अबाउट सोर्सेस ऑफ वाटर, कहाँ कहाँ से पानी आता है। इट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं पानी आने का स्रोत। वाटर इज ऑब्टेंड फ्रॉम द मैनी सोर्स, बहुत सारे तरीके हैं जो पानी आते हैं, कहाँ जहाँ से पानी आते हैं। सम मेजर सोर्स एज फॉलोस, कुछ यहाँ पे सोर्स दे रखे हैं जो लिखे हुए हैं। सबसे पहला आपका ओशंस एंड सीस, यानी समुद्र से। मोर देन 2/3, यानी हमारा 2/3 से ज़्यादा जो पानी है वो अर्थ सरफेस में कवर्ड है। कहाँ पे? विथ इन द सी एंड ओशन। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज स्टोर्ड इन सी एंड ओशंस। दिस वाटर कैन नॉट बी यूज ड्यू टू द लार्ज क्वान्टिटी ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। और हम इस पानी को हम काफ़ी मात्रा में हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट डिजॉल्व होता है, यानी खारा पानी होता है। ड्यू टू सॉल्ट दिस वाटर इज कॉल्ड सेलाइन वाटर, और ये खारा पानी होता है तो इसलिए हम इसको सेलाइन वाटर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रेन वाटर, यानी वर्षा का पानी। वो रेन वाटर इज़ कंसिडर्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द नेचुरल वाटर, और हम ये कह सकते हैं जो वर्षा का पानी है वो आपका शुद्ध पानी है जो हमें नेचर से मिलता है। इट इज़ मेजर पार्ट ऑफ वाटर, ये कि हमारे लिए ये मेजर सोर्स है जो हमें बारिश से मिलता है ये पानी। वाटर रेनफॉल फ्लो इनटू रेन एंड रिवर्स एंड लेक्स, और जो वर्षा का पानी है वो आपके रिवर्स और लेक्स में भी जाते हैं। इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन इन अवर कंट्री, और रेन वाटर का जो पानी है हम बड़े पैमाने पे हम यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए? फसल में देने के लिए, यानी सिंचाई के लिए हम काफ़ी मात्रा में हम वर्षा का पानी यूज़ करते हैं अपनी कंट्री में। सरफेस वाटर, इसको हम भूपृष्ठ जल भी बोलते हैं। वाटर दैट इज़ कॉमनली फाउंड एवरीवेयर, जो वाटर है आपको सब जगह मिल जाएगा। एंड विच वी सी एवरी डे इज कॉल्ड द सरफेस वाटर, और हम जो जिसको डेली देखते हैं जिस वाटर को, उसको हम सरफेस वाटर बोलते हैं। द रेन वाटर दैट इज कलेक्टेड इन, जो रेन वाटर आपको कहाँ कहाँ पर मिल सकता है? रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, कैनल्स एंड स्प्रिंग्स फॉर्म्स द सरफेस वाटर। इन सब जगह पर आपको पानी मिल पाएगा जिसको हम भूपृष्ठ जल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज द वाटर दैट सीप्स थ्रू द सॉइल एंड कलेक्ट्स अबव द नॉन पोरस रॉक्स डीप अंडर द ग्राउंड। दिस वाटर कैन बी एक्सट्रैक्टेड फॉर यूज बाय द डिगिंग वेल्स एंड बोर वेल्स। और ग्राउंड वाटर को हम भूमि जल बोलते हैं, यानी हम अगर हमें पानी चाहिए तो हम क्या करते हैं? गड्ढा करते हैं, है ना, गड्ढा करते हैं। और जब गड्ढा करते हैं तो हमें पानी मिलता है। जैसे कि हम गड्ढा करते हैं, ग्राउंड वाटर हम सीधा ये बोल सकते हैं बाय द वे ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वाटर बाय डिगिंग और एक्सट्रैक्टिंग। नाउ द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डाउन होगा किससे? सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना, एट अ गिवन प्लेस। उसको हम बोलते हैं वाटर टेबल, यानी जल स्तर, उसको हम वाटर टेबल को जल स्तर बोलते हैं। दिस वाटर इज पम्प्ड आउट बाय द फार्मर टू बी यूज्ड फॉर इरिगेशन, और तब जो फार्मर है बाय द वे ऑफ पम्प्ड, है ना, बाय द वे ऑफ पम्प्ड जो फार्मर है अपने फसल में पानी देते हैं, और इसी तरीके से वो अपने खेत के अंदर सिंचाई भी करते हैं बाय द वे ऑफ पम्प्ड ऑफ वाटर। नाउ सोर्सेस ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर। अब कौन कौन से तरीके हैं जो ग्राउंड वाटर से पानी निकालते हैं? सबसे पहला आपका वेल, यानी कुआं। दस अर्थ सरफेस इज डीप डग डीप टू द गेट वाटर फ्रॉम अ वेल और ट्यूबवेल्स टू ऑब्टेन ग्राउंड वाटर ऑन द सरफेस। हम अर्थ यानी पृथ्वी पे, यानी हम जब गड्ढा करेंगे तो हमें पानी मिलेगा, है ना, हम चाहे उसको ट्यूबवेल के रूप में हम पानी हम यूज़ कर सकते हैं बाय ग्राउंड वाटर से निकाल के।
और सेकंड है आपका स्प्रिंग। स्प्रिंग आर ए सोर्स ऑफ प्योर वाटर सप्लाई। एक स्प्रिंग एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप प्योर वाटर निकाल सकते हैं। और आपको ही पता होगा इफ़ दे आर नॉट कंटेन्ड बाय द पॉल्यूटेंट्स पासिंग थ्रू द सॉइल। और आपको ही पता है कि सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूटेंट सॉइल होता है, तो हम जितना ज़्यादा गड्ढा करेंगे तो उतना हमें ज़्यादा पानी साफ मिलेगा। और स्प्रिंग को हम बोलते हैं शुद्ध जल। पानी के लिए एक नया तरीका है जिसको हम स्प्रिंग बोलते हैं। थर्ड है आपका पोलर आइस। द वाटर इन द आर्कटिक एंड एंटार्कटिक इज फ्रोजन इनटू ग्लेशियर एंड पोलर आइस कैप। जो पानी है आपका कहाँ पे मिल कौन से कहाँ पे मिलता है आपका और कौन से फॉर्म में मिलता है? एंटार्कटिक में और एंटार्कटिका में मिलता है। कौन से फॉर्म में? ग्लेशियर और पोलर आइस कैप के फॉर्म में हमें पानी मिलता है, ठीक है। और वो मिलेगा कहाँ पे? आर्कटिक और एंटार्कटिका में। द वाटर प्रेजेंट इन द हाई माउंटेन, वो ऊंचे हिमालयों पे इस तरीके से पानी वहाँ पे जमा हुआ मिलता है। रेंज लाइक हिमालयस इज ऑल्सो फ्रोजन, और वहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन में वहाँ पे जमा हुआ पानी रहता है एक बर्फ के फॉर्म में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू नेक्स्ट टॉपिक के साथ।